काबुल है। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। सारी सारी रात जगाता है यही, हंसाता है यही, यही रुलाता है। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। अब थोड़ी देर रुक भी जाइए, इतनी भी जल्दी क्या? अब कुछ दिन पहले तो एक लड़की हमारे साथ गाने गा कर गई थी। आप भी गाएंगे तो मजा आ जाएगा। माय गॉड, क्या है कि म्यूजिकल लोग हमें बहुत पसंद है। तब तो आपको मैं भी बहुत पसंद आऊंगा। असद, असद भाईजान। आप गाइएगा और मैं बजाऊंगा। चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूं। और ये कपड़े कैसे पहने आपने? जाके बदल लीजिए, फिर मैं आपको छोड़ दूंगा। चाहिए और आइंदा ख्याल रखिएगा। वालेकुम अस्सलाम। मैं जोया, जीनत आपकी की छोटी सिस्टर। आई होप जीजू ने आपसे बात की होगी। हाँ हाँ, बताया है। आप लोग कुछ सरप्राइज लग रहे हैं। नहीं, वो एक्चुअली हम समझ रहे थे कि आप यूएस से आ रही हैं तो इंग्लिश में बात करेंगी, इसलिए। लोगों को ये गलत फहमी है कि जो लोग हिंदुस्तान से दूर रहते हैं वो हिंदुस्तान से दूर हो जाते हैं, बल्कि रियलिटी ये है कि जो लोग हिंदुस्तान से दूर रहते हैं ना, हिंदुस्तान उनके दिलों में बसता है। MA? माशाल्लाह, अमीन, आपका घर बहुत खूबसूरत है। किसने डिजाइन किया है? मेरे बेटे ने, असद ने। वाओ, जीजू कह रहे थे कि वो आपके छोटे भाई के जैसे हैं। तो मैं आपको फूफी बोल सकती हूँ? क्यों नहीं बोल सकती। दिलशाद ने फोन नहीं किया। एक दिन हो गया, अब तक उसका कोई जवाब नहीं आया। हो सकता है वो थोड़ा वक्त और चाहती हो। आपका घर बहुत खूबसूरत है। I'm impressed. Thank you. अब आपने पूरा घर देख लिया है, पर आपको रूम तो याद है ना अपना? दायां वाला। या, दाएं वाला। Daya means right, Baya means left. Okay, cool, याद है। मैं आपको छोड़ देती हूँ। No, it's okay, sweetheart. मैं चली जाऊंगी। मुझे याद है, बाएं वाला, दाएं वाला। So sorry. दाएं वाला, cool? Yeah. Okay, I'll go.